How to read NCERT like a topper? इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि टॉपर NCERT को किस तरह से पढ़ता है, आप NCERT को एक प्रो लेवल में किस तरह से पढ़ सकते हैं। जो आपने बातें सुनी है कि 80 क्वेश्चन नीट में आते हैं बायोलॉजी से, NCERT से डायरेक्टली, केमिस्ट्री के अंदर NCERT पढ़े हैं वो पढ़े हैं, लेकिन सब सुना है, लेकिन आपको लगता है कि यार आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, ये 100% सही है। बट इसके पीछे का सीक्रेट है जो कि आपको नहीं पता, लेकिन टॉपर्स कैसे इसको स्टडी करते हैं उसका जो सीक्रेट है मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि NCERT को कैसे पढ़ना चाहिए, उसका 100% जो करेक्टली राइट मेथड है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ NCERT को चैप्टर वाइज पढ़ना छोड़ दीजिए। आपको डिफाइन नहीं करना है कि मुझे चैप्टर को पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थ्योरी है मुझे पढ़नी है, बिल्कुल फिक्स नहीं करना है। NCERT को सबसे पहले आपको पढ़ना है तो एक पैराग्राफ वाइज, एक जो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पर एक पैराग्राफ चूज़ कर लीजिए, उस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ को कीजिए, ऐसे करते करते आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। इसी टाइप में आपको पढ़ना है, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की आपको जो माइंड में सोच है वो नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले उस पैराग्राफ को आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, उसको मतलब आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, अब आप उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी जिनको आपको देखने की कोशिश कीजिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट बेसिक सी लाइन भी हो सकती है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, आप साइड में जो है गाइड को लेकर बैठिए या फिर अपने नोट्स को लेकर बैठिए, उन जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं जिनको की वर्ड्स बोलते हैं, वो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अंदर आपको जो है अपने बुक्स के अंदर अपने नोट्स के अंदर सर्च कीजिए, आप वहाँ से उस जो स्पेशल वर्ड है उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर से उस लाइन के ऊपर आइए, फिर उस लाइन को फिर से पढ़िए, और फिर भी समझ में ना आए तो उस वर्ड को फिर से समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उस अगर आप शॉर्ट आउट करेंगे अपनी पूरी प्रॉब्लम को तो वो जाकर आपको लाइन पूरी समझ में आएगी। उसके बाद में लाइन बाय लाइन आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है, फिर आपको एक पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया है, ठीक है, ये हम मैं अज्यूम करता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको एग्जामिनर जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप उसी पैराग्राफ को देखिए कि इस पैराग्राफ के अंदर से मैं किस तरह के क्वेश्चंस को बना सकता हूँ। अब देखिए क्वालिटी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं क्योंकि नीट का जो लेवल है, एम्स का जो लेवल है उसकी बात कर रहे हैं। आपको उस पर्टिकुलर जो 3 से 4 लाइन या 4 से 5 लाइन या कितने भी लाइन का जो पैराग्राफ है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को निकालना है कि अगर आप एग्जामिनर हैं तो कौन से क्वेश्चंस देंगे ताकि स्टूडेंट जो है उसको प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। आपको दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपने बहुत मेहनत की है उस टॉपिक के ऊपर, उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ा, सारा जो था उस आपने निकाल लिया, उसके बाद में आपने उस चीज़ के अंदर से वो भी निकाल लिया कि कौन सा उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको उस टॉपिक के ऊपर, उस पैराग्राफ के ऊपर कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको रह गया है, और उसके बाद में उसके ऊपर से कोई भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप 100% उसको करेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जब आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा, उन इम्पॉर्टेंट लाइंस को पढ़ा जो कि आपको समझ में नहीं आए, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि आपको पहली बार में समझ में नहीं आए, कुछ ऐसी लाइंस थी जिनके ऊपर आपको लगा कि इनके अंदर से क्वेश्चंस को बन सकते हैं, उन लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, मार्कर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आप साइन लगा दीजिए ताकि आपको बाद में देखने पर ये पता चल सके कि हाँ आपने अभी जो उसके ऊपर वर्क किया है आपको बाद में इतना टाइम ना लगे, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जल्दी से, एक बार जब आपने हार्डवर्क कर दिया, मेहनत कर दी तो आपको फिर से जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आपने मेहनत की है बाद में आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसके बाद में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि NCERT के अंदर कुछ लाइंस दे रखी हैं तो उसके बाद में भी वो लाइंस पूरी तरह से, तो ये कंप्लीट लाइंस वो नहीं होती हैं, वो NCERT एज अ गाइड नहीं है, ऐसे आपके नोट्स नहीं है जिसके अंदर आपको मतलब सब कुछ अच्छे से बनाकर दे रखा है। NCERT देखिए एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता है, आपके नोट्स देख लीजिए, आपके गाइड्स देख लीजिए, आपके मॉड्यूल्स देख लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ नॉलेज दे रखा है, ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज दे रखा है, जिसको आपको सिर्फ रटना है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। लेकिन NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो आपको पता होगा कि NCERT जो है उसके अंदर आपको नॉलेज डायरेक्टली मिलता ही नहीं है, आपको लगता है कि यार तो लाइंस जो है वो बहुत बकवास है, इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो कुछ कुछ मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए देखिए जब भी आप पढ़ते हैं तो NCERT को आप बहुत जल्दी से क्लियर करके निकल जाते हैं, लेकिन जब भी आपने अच्छे से अगर NCERT को पढ़ा होगा, आपको अगर लास्ट टाइम का याद होगा, तो आपको बहुत टाइम लगा होगा कि आपको देखिए
बहुत ज़्यादा टाइम आपने कंज्यूम किया होगा उस एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में, जबकि आपको लगता है कि यार तो चैप्टर बहुत ही कम पेजेस का है। अगर मैं मॉड्यूल से, अगर गाइड से मैं उसको कंपेयर करूँ तो बहुत छोटी है एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी उसको पूरा पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो क्यों लगा? क्योंकि देखिए उसके अंदर जो नॉलेज है उसके अंदर हर लाइन का डीप मीनिंग बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी के अंदर एक जो लाइन लिखी हुई है वो ऐसे ही फालतू में नहीं लिखी हुई है, उसको समझने के लिए उसके जो पीछे की जो नॉलेज है उसको आपको समझना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के अंदर जो वो क्वेश्चंस आते हैं वो उस उन जो लाइंस जो आपको दे रखी हैं उनके जो पीछे जो वो लाइंस वो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट डायरेक्टली एनसीईआरटी में से नहीं है, लेकिन है वो एनसीईआरटी में से ही। सो आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ और लाइंस ऐड होनी चाहिए, तो आप उसको साइड में आप वहीं कर एनसीईआरटी में लिख सकते हैं अपने पेन से, अपने पेंसिल से, कुछ भी, ठीक है। लेकिन लगता हो कि 4 से 5 लाइन इसके अंदर आनी चाहिए, आपको लगता हो कि हाँ ये जो है ये पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है बट इसके अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है ये लाइंस इसके। देखिए उन वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे जो मैंने कीवर्ड्स बोला है उसके बाद में आपको पता चलेगा कि इन दो लाइंस के बीच में भी एक लाइन है बट वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। तो जब आप अज्यूम करेंगे, जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप पूरा चैप्टर उस पैराग्राफ को समझेंगे, उसके बाद में आप उस पैराग्राफ में से 2 से 3 ऐसी लाइन पाएंगे जो कि वहाँ पर होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर है नहीं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर देखिए आप एक स्पेशली नोटबुक डालिए अपने एनसीईआरटी के लिए, उसके अंदर एक चैप्टर वाइज स्टार्ट कर लीजिए और पैराग्राफ का नाम लिख दीजिए ऊपर, नेम ऑफ द पैराग्राफ, एंड उसके नीचे उस जो पर्टिकुलर लाइन्स हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उनको लिख दीजिए जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। ऐसे करते करते अपने उस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रीड कीजिए, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर दे रखा है आपने मार्क कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो लाइंस थी वो आपने उसके उसके अंदर लिख ली, या फिर आपने नोट जो नोटबुक है उसके अंदर लिख ली। उसके बाद देखिए आपका एक जो पैराग्राफ है वो एंड होता है। अब आपने सोचा है कि यार तो बहुत लंबा टाइम चला गया एक पर्टिकुलर 8 से 10 लाइंस के पैराग्राफ के पीछे, आपका चैप्टर तो काफ़ी बड़ा होगा। इसीलिए देखिए जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है, आपको सिर्फ अगर आप नोट्स पढ़ते हैं उसके अंदर देखिए आप बहुत सारे पेजेस पढ़ते हैं तब आपको टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्टली मेंशन होता है, इसके अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है। बट एक बार जब आप वर्क कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, सब कुछ आपने समझ लिया है, सब कुछ आपने लिख दिया है, अपने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, मार्क कर लिया है, तो सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, जल्दी से समझ पाएंगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। और फिर जो है इसको रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे तब आपके ऊपर जो प्रेशर है एनसीईआरटी को क्लियर करने का वो भी चला जाएगा। उसके बाद में देखिए आप देखेंगे कि सब कुछ बोलते हैं कि आपने जब एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जब एनसीईआरटी पढ़ी है आपको 60 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे बायो के अंदर, बट 60 के बाद में आपसे मे बी 1 या 2 क्वेश्चन और करेक्ट हो अगर आपको एनसीईआरटी ही पढ़ के गए हैं तो। लेकिन जब आप 80 क्वेश्चन के पीछे जाते हैं, लेकिन देखिए 80 क्वेश्चन तो आते हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड, बट 60 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से अगर अच्छे से एक एक पैराग्राफ को तैयार किया, हर क्वेश्चन को बनाया, हर लाइन्स के अंदर से लाइन्स को निकाली, हर पॉइंट जो हर की वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश की, उनके बाद में उस पूरे पैराग्राफ को कम्प्लीट करते हुए एक चैप्टर को कम्प्लीट किया, उसके बाद में उन चैप्टर को कंप्लीट करते हुए पूरे सिलेबस को ख़त्म किया, तब जो देखिए आपके वो जो 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 से 22 या 23 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करेक्ट होते हैं, और जब आप जो 80 के आसपास क्वेश्चन हैं उनको करेक्ट कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 90 में से 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं, आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आते हैं, 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी के अंदर आउट ऑफ सिलेबस होते हैं जिनका किसी को भी नॉलेज नहीं होता है, बट देखिए ये यहाँ वहाँ से पढ़कर रखा होता है तो कोई स्टूडेंट, या फिर पूरे देखिए इंडिया में से इतने सारे लाखों स्टूडेंट रहते हैं तो किसी ने तो पढ़ा ही होगा, या फिर अगर तुक्का भी लगा देता है तो किसी का मतलब सही हो जाता है और 350 को क्रॉस कर जाता है। बट ये है कि अगर आप एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 80+ क्वेश्चन नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर सही करने से। और अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपके पास कम नोट्स भी होंगे, एनसीईआरटी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में आप जो भी टॉपर से अगर किसी से भी आप सुनते आए हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, उसका जो सीक्रेट है ऐसे ही पढ़ना है उसको, और एक टॉपर उसको इस तरह से पढ़ता है। उसके बाद में देखिए उसके पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, वो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता है
तो उसके पास समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें ताकि उस एनजाइटी को वो अच्छे से समझ सकता है, उसके पास अच्छे से टीचर्स हैं इसलिए उसको जल्दी से समझ सकता है। तो आपको करना यही है कि आप अगर इंटरनेट से उसके बारे में नॉलेज निकाल सकते हैं, अच्छी गाइड के अंदर से उनके बारे में नॉलेज निकाल सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर से उसके बारे में नॉलेज निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एक पैराग्राफ स्ट्रांग हो गया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए उस चैप्टर से और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए उस बुक से। तो जो ओवरऑल जो है आपकी बुक जो है, आपका सिलेबस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद में मैं नहीं समझता कि आपके जो 80 क्वेश्चन हैं वो सही नहीं हो सकते। फिर तो आपको वर्क है कि आप उसके ऊपर रिविजन रिविजन एंड रिविजन करते जाइए, जितना क्लियर करेंगे अपने माइंड को। और देखिए, एट अ टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको आपको याद होना चाहिए, उसके लिए आपको रिविज़न करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए, फिर अपने आप को टेस्ट सीरीज के अंदर प्रूव कीजिए और फिर इजीली आप नीट के अंदर 80+ क्वेश्चन बायो के अंदर करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, केमिस्ट्री के अंदर भी देखें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक, और उसके अंदर भी ब्लॉक्स के अंदर जो ब्लॉक्स के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ब्लॉक्स के अंदर इतना सारा नॉलेज दे रखा है कि एग्जामिनर जो है उसको सारी जो प्रॉब्लम अगर फेस करने के वाले क्वेश्चन बनाने हैं वो एनसीईआरटी से बना सकता है। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लॉक्स या इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।